भारतीय आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, परब्रह्मा को अमेरिका खाक और प्रशासन का प्रमाण पत्र। कहानी विस्तार से। परब्रह्मा आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर को अमेरिका खाक एवं औषधि प्रशासन द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने कहा कि ये दुनिया में इस क्षेत्र के सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने वाला यह पत्र सैकड़ों लोगों की कोविड रोग से मुक्त होने का दावा सही होने पर ही मिला है। FDA और USFDA की प्रमाणन प्रक्रिया 2 महीने की जांच और परीक्षण के बाद अंतिम चरण में है। परब्रह्मा आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र ने कानून के अनुसार प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क भी चुकाया है। अमेरिकी खाक और औषधि प्रशासन से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही कोई भी देश इस उत्पाद का उपयोग, बिक्री, आयात या निर्यात कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का खाक एवं औषधि प्रशासन अमेरिका स्वास्थ्य विभाग के अधीन एक संघीय एजेंसी है। देश में फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टीके, बायोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए इस एजेंसी की गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक है। एजेंसी के पास चीन, भारत, कोस्टारिका, चिली, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में खोजी कर्मचारियों के साथ दुनिया भर में 233 फील्ड ऑफिस और 13 प्रयोगशालाएं हैं। इस अमेरिकी प्रमाण पत्र में इतनी कठोर निरीक्षण प्रणाली और विश्वसनीयता है कि इस एजेंसी द्वारा अनुमोदित उत्पाद को दुनिया भर में मान्यता है। सभी चरणों को सफल करने के बाद ही यह पत्र प्राप्त हुआ। परब्रह्मा को भारत के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा करने के बीच ही संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से स्वीकृति मिली। परब्रह्मा का दावा है कि इस उत्पाद का उपयोग करने पर नकारात्मक लोग संक्रमित नहीं होंगे। प्रारंभिक चरण पर उन्होंने 10,000 से अधिक सकारात्मक रोगियों के लिए इस प्रतिरक्षा बूस्टर वितरित किया और वे 2 से 3 दिनों के भीतर नकारात्मक हो गए। इसी सब का प्रमाणित पत्र संरक्षित है। आयुर्वेदिक सेंटर ने कहा कि ये एक सबूत है और इन सबूतों को प्रेषित करने के बाद भी सरकार हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो वो अदालत के सामने हमारा दावा साबित करने का एक बड़ा मौका होता। प्रारंभिक चरण में हम केरल के आलपुड़ा के केंद्र से इस बूस्टर की हजारों खुराक को बिना किसी दाम वितरित कर रहे थे। दाम बहुत अधिक होने पर सरकारी सहायता की आवश्यकता है। इससे पहले केंद्रीय आयुष मंत्रालय और केरल सरकार के लैब ने इस बूस्टर के लिए एक अनुकूल रिपोर्ट की मंजूरी दी थी। इसका उपयोग कोई भी कर सकता है और इससे मानव शरीर के लिए हानिकारक कुछ भी नहीं है। अब परब्रह्मा इस पाउडर को बड़े पैमाने पर आवश्यक देशों को निर्यात करने की योजना बना रही है। न्यूज डेस्क, कर्मा न्यूज़।